everyone, welcome or welcome back to my channel. If you're new to this channel, hi, my name is Khushi and welcome to my another makeup video. So today I'm gonna do a self-care routine because I have been so lazy to these days and not doing anything. मौसम भी काफ़ी gloomy type का होता है और मैंने सोचा थोड़ा productive होते हैं, कुछ करते हैं. So I think this is a best idea to do. So without wasting the time, let's get started. So whenever start your सेल्फ केयर रूटीन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इज़ अवर क्लिनजिंग. आपको कोई सा भी अच्छा क्लिनजर यूज़ करना है आपके स्किन के अकॉर्डिंग. आपकी स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन वाला कोई क्लिनजर यूज़ कीजिए, और ऑयली है तो फिर ऑयली क्लिनजर, मतलब जैसे कि जेल बेस्ड होता है. अभी मैं यहाँ पे डर्माकोका 1% सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये मेरे स्किन अकॉर्डिंग है. सो आप भी आपके स्किन के अकॉर्डिंग ही फेस वॉश यूज़ कीजिए. और ये फेस वॉश काफ़ी जेंटल है, मतलब इतना लाइट फील करता है आपके फेस के ऊपर कि पूछो ही मत. और मेरा फेस आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है. और आपने हमेशा सेल्फ केयर रूटीन फेस वॉश करके ही करना है बिकॉज उससे आपके फेस की सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी. एंड देन ये तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, ये मैं अभी स्क्रब करूँगी अपने फेस को. मेरा सेल्फ केयर रूटीन काफ़ी सिंपल होता है, मुझे ज़्यादा तामझाम करना कुछ पसंद नहीं है. मतलब है मेरे पास प्रोडक्ट और भी बहुत सारे, बट जब भी मैं ऐसे जल्दी में होती हूँ, कुछ ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं होता है, तब मैं ये एवरयूथ का स्क्रब यूज़ कर लेती हूँ. आपको ये हर जनरल स्टोर या मेडिकल पे अवेलेबल हो जाएगा. अगर आपको इतना बड़ा ट्यूब नहीं लेना है तो आप इसका छोटा पैकेट भी यूज़ कर सकते हो. ये स्क्रब मुझे काफ़ी बेस्ट लगता है, आपके सारे डेड सेल्स रिमूव कर देता है, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, सारे कुछ रिमूव कर देता है. यहाँ पर मैंने इसके बाद स्टीमिंग नहीं ली है. आपको अगर स्टीमिंग लेना होगा तो आप ले सकते हो. और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ज़रूर बताऊंगी स्टीम लेके. और देन पैक के लिए मैं यूज़ करूंगी गाइस, आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, राइस का आप ग्राइंड करके उसका भी पैक बना सकते हो. बट मुझे कुछ सिंपल और जल्दी हो जाए ऐसा कुछ ट्राई करने का था, तो मैंने यहाँ पे मुल्तानी मिट्टी ली और उसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया, यानी कि अपना रॉ मिल्क, और रॉ मिल्क वगैरह मिक्स करके. और आप इसमें और अच्छे रिज़ल्ट के लिए रोज़ वाटर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने वो स्किप कर दिया. और दो ही इंग्रेडिएंट्स से मैंने ये पैक रेडी कर लिया. और आप इसे अच्छी तरीके से फेस के ऊपर लगाओ एंड देन उसे वॉश कर लो अपने फेस को 5 मिनट्स रखने बाद. देन इट्स टाइम टू डू अवर हेयर केयर रूटीन. सो मैंने हेयर्स को पहले ही वॉश कर लिया था, देन वो अभी थोड़े ड्राई हो चुके थे. सो आई अप्लाइंग द सीरम, और ये स्ट्रिक्स का सीरम है, 100 रुपीज़ की बॉटल रहती है. और इसकी स्मेल मुझे काफ़ी पसंद है, और इसमें एक येलो वाला वेरियंट भी आता है, आप वो येलो वाला मत लीजिए, उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं है. ये ब्लू वाला है, इसकी स्मेल काफ़ी नाइस है. और हमने जब भी सीरम अप्लाई करना हो ना बालों में, तो नीचे की लेंथ में ही अप्लाई कीजिए, स्कैल्प पे मत करना क्योंकि आपका स्कैल्प ड्राई हो जाएगा और इससे हेयर फॉल भी होता है. और हमने इसे डेली अप्लाई नहीं करना है हमारे हेयर्स के ऊपर, व्हेनेवर आप जब भी मतलब बाल वगैरह वॉश करो तब हमने इसे अप्लाई करना है. देन अभी मैं स्किन केयर करूँगी. सो स्किन केयर के लिए आपने मेरे हर वीडियो में देखा होगा कि मैं पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ क्योंकि ये जेल बेस्ड है और मेरे स्किन के अकॉर्डिंग था. और मैं दूसरे क्यों नहीं यूज़ करती हूँ, मुझे बायोटिक का भी पसंद है, बट मुझे जल्दी से पिम्पल्स हो जाते हैं अगर मैं प्रोडक्ट्स ऐसे चेंज करूँ ना, तो इसलिए मैं जो मेरे स्किन के ऊपर सूट करता है ना वही अप्लाई करती हूँ. अगेन मैंने डर्माको का सीरम लिया है आप, और मैं मुझे प्लम का भी काफ़ी पसंद है, पर मैंने वो हर वीडियो में दिखाती हूँ इसलिए मैंने आज कुछ चेंज करा है. और यहाँ पे मैंने ये डर्माको का सीरम यूज़ किया है, ये काफ़ी अफोर्डेबल है और इसका मैंने छोटा पैक मंगवाया था. आप इसका एक बार ट्राई करके देखो, रिजल्ट अच्छे लगे तो आप इसका बड़ा वाला वर्जन भी मंगा सकते हो. देन जैसे ही हमारी स्किन को हाइड्रेशन की नीड होती है ना, वैसे ही हमारे लिप्स को भी हाइड्रेशन की नीड
होती है। सो ये मैं निको लिप्स का स्क्रब यूज़ कर रही हूँ। इसके यूज़ से आपके जो लिप्स पर पिगमेंटेशन हो जाते हैं तो ये सारे रिड्यूस कर देगा वो पिगमेंटेशन, बिकॉज मैं इसे काफ़ी मतलब साल हो गया है इसे यूज़ करते आ रही हूँ। देन आप लोग मुझे गेस करके बताना अभी मैं ये नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा यूज़ कर रही हूँ। इसकी पूरी पैकेजिंग निकल गई है, इतना मैंने इसे यूज़ किया है, क्योंकि मैं नाइट के वक्त यही अप्लाई करती हूँ अपने लिप्स के ऊपर। देन लिप्स ग्लॉस के लिए मैंने ये डॉट एंड की का ग्लॉस बॉस लिप ग्लॉस यूज़ किया है इन दी वेरियंट स्ट्रॉबेरी क्रश। और इसका मतलब क्या ही बताऊँ मैं, मुझे बहुत पसंद है ये लिप ग्लॉस। इसका मतलब थोड़ा पिंकिश टिंट है और लिप्स के ऊपर काफ़ी हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर देता है। दैट्स व्हाई आई लिटरली लव दिस प्रोडक्ट। और आपको पसंद आए, आपको मेरा ये सेल्फ केयर रूटीन पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपने अगर मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया होगा तो मेरी इंस्टा आईडी है khushinikam98। आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। मैं रोज़ मतलब नए कंटेंट उसके ऊपर डालती रहती हूँ। सो प्लीज़ चेक इट आउट। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को एक और बार कह रही हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे पता है आप लोग मेरे वीडियो को काफ़ी पूरा वॉच करते हो और सब्सक्राइब भी कर रहे हो। और जो मेरे चैनल को मतलब जो मेरे वीडियोज़ को देखते हैं पूरा वॉच करते पर सब्सक्राइब नहीं करते, फ्री में होता है ना, प्लीज़ थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज आई लिटरली नीड योर सपोर्ट एंड लव। मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।